सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइज। आज का मतलब व्लॉग नॉर्मली है, डे टू डे लाइफ में तो अपने को फर्स्ट मतलब टैबलेट्स वगैरह ले चुका हूँ मैं, नींद भी नहीं आ रहा। ये देखो मेरा ब्लैंकेट वैंकेट ऐसा ही पड़ा होता है अपना, कल का जैसे रखा हो मतलब कल का जैसे रखा हुआ ना तो वैसा ही है। चलो अभी एक सेकेंड, वैसे मैं कमेंट्स नहीं दे रहा हूँ, पढ़ा हूँ क्या नहीं पढ़ा हूँ वो भी नहीं पता, मैं चेक करता हूँ एक सेकेंड। जुकाम काफ़ी तगड़ा हुआ है इस बार यार। फर्स्ट टाइम बर्नआउट करो फिर वेली मारो, नहीं गाइज ऐसे नहीं होता, बर्नआउट मारने का ट्राई भी करोगे तो ग्रिप पूरी हो जाती है, सो ऐसा ट्राई मत करना। वेली के लिए अच्छा ग्रिप और नीचे अच्छा सरफेस चाहिए, वो फ्रिक्शन फोर्स का सब मामला है। खैर कोई ना, आज का ब्लॉग डे टू डे लाइफ में होगा, अपने को एक प्रोडक्ट लेने जाना है यूलानजी, तो चलो अगर कुछ होता है तो थंबनेल में देख सकते हो कि कुछ हुआ है। सो चलो देख, काफ़ी अंदा हुआ है ना। खैर आज वॉशिंग सेंटर चलते हैं, स्टार्टेड विथ विली गाइड्स। एक विली इतना पावर अप कर देती है ना बंदे को, ये कोई सोच नहीं सकता। सो वंस अगेन इंट्रो अपना बनता है। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आज का व्लॉग डेली रूटीन का होगा और अपने को आज जाना है यूलानजी लेने। यूलानजी क्या होता है वो मिलने के बाद बताता हूँ। ओए दीदी साइड ज़रा, बट पहले अपने बाइक को हिलाना है। और अपने छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स भी इधर से ही है, बहुत से यही रोड से, हम इसे कॉलेज रोड ही बोलते हैं क्योंकि इधर दो दो कॉलेज, एक जूनियर एक सीनियर। ये जो इधर का ये जूनियर है, फिर से इधर छोटे बच्चों का भी है, ये वाला छोटे बच्चों का, और जिधर मैं कॉलेज को आता वो ऊपर वाला है। जी यार मैंने सोचा था आज अच्छे अच्छे व्हील्स ट्राई करूँगा, बट क्या है एट द एंड टायर गीला हो गया। छोटे बच्चे खुश होते हैं ना एकदम मस्त, उनको मज़ा आता होगा। छोटे सब्सक्राइबर्स थे, एक सेकंड उन्हें मिल के आते हैं ना, बात करते किधर है वो। थैंक, ये रहे इधर। थैंक्स ब्रो, आप फिर रोज व्लॉग देखते हैं। अरे यार उड़ गया, स्पीड ब्रेकर ही नहीं देखा मैंने। तो यार यही पैर है जो छोटे बच्चों का, यही चाहिए अपने को, बाकी है सब मोह माया है, बच्चों का नहीं सबका चाहिए है। तो गाइस मेक श्योर यू सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कीजिए, और चलो चलते अपने गाड़ी को पहले वॉश कराते अपना ब्यूटी बीस्ट लवली। आज पूरा दिन मेरे ब्यूटी बीस्ट के नाम है, थोड़ा सा अपना जो डैमेज हुआ है वो भी थोड़ा सा कस्टमाइज करना है अपने को वो थोड़ा सा। तो चलो चलते जल्दी से एंड एक सेकेंड। तो गाइस जो यूलानजी है ना वो किस काम का है तुमको बताता हूँ मैं। जो अपना गोप्रो है ना, तो गोप्रो को जो अटैच होता है मतलब एक एडाप्टर होता है जिससे कि वॉइस रिकॉर्ड होता है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ईयरफोन है वो एज अ माइक यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मैं पूरा डिटेल्स दूंगा आपको क्योंकि मेरा अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 23 डेट से, तो वो 23 से तो 2 तारीख तक पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनेगी, तो मेक श्योर उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखें अभी से ही। बाकी तो सब चलो चलते रहते हैं डेली लाइफ में और जियो यार अपनी ज़िंदगी। मैं पूरा बीमार हूँ बट अपना ये यार प्यार आपका सपोर्ट बस बोलता है कि यार बना भाई बना, वी आर वेटिंग फॉर यू। चलो बोलते बोलते आ गए यार वॉशिंग सेंटर आ गए अपना, अभी वॉश कराते हैं यार। बट कोई ना, क्या मस्त लग रही है ना अपनी, जाने मन जाने जा यार, आज का टाइम पूरा इसको ही है। चलो मिलता हूँ वॉश के बाद, सपना हो चुका है वॉश करके। अभी मेरे को एक थोड़ा सा काम याद आया यार गाइस, शोरूम पे का
शोरूम पे 10 तारीख होगी कल, तो उसने बोला था कि आज आना चाहिए, मतलब आज मिलना चाहिए था मेरे को अपना नंबर पे, नंबर एंड आरसी बुक वगैरह आज तो मिलना चाहिए था शोरूम पे। तो चलो पहले वही देखते हैं, क्योंकि यार बहुत झंझट हो चुकी है, मतलब बोले ना एकदम काम 25 यार। आज मेरी लैंग्वेज भी बहुत अलग है यार, मतलब एकदम रावड़ी, ऐसा नहीं यार मैं बस ऐसे थोड़ा सा वो हो चुका हूँ, क्या बोलते उसको, बीमार होना तो थोड़ा सा पागलपंती सूझती है मेरे को, जुकाम होगा मुझे वैसे पूरा सर दर्द देता है, बट मैं अलग ही प्रजाति हूँ, कुछ दुखने पर मैं और ट्राई करता हूँ मजाक मस्ती। अच्छा अच्छे क्या ही रिएक्शन मिलता है ना बंदे लोगों का अपने ब्यूटी बीस पे। अभी अभी धुली है अभी तो, और भी यार आगे से तो इतना मस्त दिखता है ना, इतना लुक तगड़ा आता है अपने ब्यूटी बीस्ट का। मैं शोरूम पे भी क्यों जा रहा हूँ पता है, थोड़ा सा ऑयलिंग कराऊंगा यार अपनी बाइक को, ऑयलिंग वगैरह करता रहना चाहिए, मतलब मेंटेन करना एक अच्छी बात है, नहीं तो अगर मेंटेन नहीं करोगे ना तो यार कोई ना कोई दिक्कत निकलेगी। और ये चाचा देखो, अरे क्या अंकल दोनों रॉन्ग साइड से घुस रहे हो तुम, अरे अंकल फोन पे मत बात करो रे, तुम्हारे चक्कर में कोई दूसरा नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, शुभ शुभ बोलना चाहिए, बट रियलिटी यार जो फोन पे बात करते हैं ना उनकी वजह से बहुत दुर्घटनाएं होती है, फिर हमारे नाम पर पत्ता कटता है कि यही स्पीडिंग कर रहा होगा, यही करता होगा, यही वही। अरे बस गियर जरा संभाल के डाल, बस ही बोल रहा है ट्रक ये भाई, ये ट्रक वाला मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है ट्रक के पीछे, ये देखो ये भगा कैसे रहा है, पागल है क्या ये भाई, ये सिटी है इधर तो आराम से चला, गांव में विलेज में तू थोड़ी ना इसमें है, वो देखो, अरे बस भाई बस कितना खींचेगा तेरे को भाई का ही को है, देखो 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 कभी तो मज़ा देख रहा हूँ, पीछे से मज़ा देख रहा है इसकी, ये देखो साहब की ऐसा ढेर आ रहा है, ये इधर छिनरिया है इधर उधर उधर उधर, अब इसको अरे भाई साहब ये देखो भाई, एक दिन सच में ठूके गए बंदे देखना। चलो खैर तू भाई आगे चले जा, मेरे को अपने शोरूम जाने दे, थोड़ा सा काम है और यूलांजी लेने दे मेरे को, अरे मेरे इधर मत आ रहे, उधर जाओ उधर 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 सीधा सीधा जाओ, हाँ भाई, अरे अंकल गाड़ी लगाने की जगह है क्या ये, लेट्स गो शोरूम से ऑयलिंग कराते हैं भाई, यूलांजी यूलांजी लेने चलते हैं, यूलांजी गाइस अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग्स बढ़िया है, बट सच बोलूँ एक मतलब ये गाड़ी एक हॉनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ मैं, जो सोचता है ना कि बहुत बढ़िया गाड़ी है वगैरह है, बट कुछ डिसएडवांटेज है जो कि कोई बताता नहीं है, ब्रेकिंग प्लस तुमको पता हूँ इंजन माइलेज टेस्ट नहीं करूँगा मैं, सबको पता है कितना देती है। 5 hours later. मैंने इतना व्लॉग शूट किया यार क्या क्या नहीं बोला, बट यार एट द एंड व्लॉग यही नहीं हुआ यार, शूट ही नहीं हुआ, मैं जिम के उधर गया फिर उसके बाद स्टार्ट करना ही भूल गया, और अकेला ही बड़बड़ मतलब बोलते हैं ना यार छोड़े यार, इतनी गंदी बेइज्जती, मैंने वो प्रोडक्ट लिया यार उधर शॉप में से लिया, शॉप में इतना बड़बड़ किया, बट यार एट द एंड कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ज़िंदगी ही ऐसी है क्या करेगा यार। खैर मैं कोई तो अच्छी सी साइलेंट सी प्लेस देख रहा हूँ जिधर कि मैं तुमको दिखा सकूँ फिर से, वो पिछली बार दिखाया था बट उधर बहुत ही ज़्यादा मतलब दूर है वैसे देखो तो, फ्यूल पंप उधर था पूरा वो, यार अभी चलते चलते पापा मिले थे, बोल रहे थे कि अपना बैठ चुपचाप घर पे
बट मैंने बोला किधर बैठ यार, व्लॉग्स बनाने हैं। फिर फिकर है मेरे घर वालों की मेरी, चलो आज तो समझा कम से कम फिकर है। ऐसा मजाक कर रहा हूँ ठीक है। मैंने इधर कहा था, अरे पूरा पिचका हो गया यार इसका, सॉरी गाइस, ये तो पूरा ये हुआ। तो ये रहा अंदर प्रोडक्ट, ये होता है यूलांजी। काफ़ी बंदों को नहीं पता है ये जो होता है ना, ये देखो ये इसका कवर है जो कि इधर है, और ये रिमूवेबल है। इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। सो इधर लगता है अपना गोप्रो, ये देखो पूरा गोप्रो का स्क्रीन एंड ये, और जो इधर गोप्रो की स्क्रीन, और ये अटैचेबल, और जो ये मेन है ना इधर अपना 5000 मतलब एडाप्टर बैठता है जिससे कि रिकॉर्ड हो वॉइस अपना। खैर छोड़ो, इसका तो पूरा दूंगा मैं, क्योंकि अपना इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनने के लिए जाएंगे, मतलब बनाने के लिए। तब तक के लिए खैर छोड़ो, एक सेकेंड, मैं इधर विली ट्राई करता था भाई, पता है मैंने जो फर्स्ट विली है ना वो इधर से ही स्टार्ट किए थे, मतलब अब भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी आ गई, सीख ही रहा हूँ। अपना वीर नहीं है अपने साथ, या तो बहुत फटाक से हो जाता। अपने गाड़ी का एक बार लुक देख लो कुछ ऐसा है, बाद में नेक्स्ट चेंज होगा अपना लुक इधर से, मतलब काफ़ी बढ़िया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप चेकआउट कर सकते हो।